मूवी की शुरुआत में हम एक होटल को देखते हैं जहां पर लोग पिक के मटन को फ्राई करके बेचा करते थे। उनका मालिक इलोई एक खास तरीके की रेसिपी यूज करता था जिससे वहां के लोग उस फूड को काफी पसंद करते थे। इलोई के साथ उसकी बेटी इलेरिया भी होती है जो अपने स्कूल के बाद इलोई के साथ होटल में हाथ बटाती थी। वो देखने में यंग और खूबसूरत होती है इसीलिए होटल के सारे एम्प्लॉय उसे ही घूरा करते थे। इलोई अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था इसीलिए वो इलेरिया का काफी ज्यादा ध्यान रखता था। अब एक दिन इलोई अपनी बेटी के साथ होटल में होता है तभी उनके होटल के सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से एक लेडी इलोई से आके मिलती है और हमें ये पता चलता है कि ये इलोई की वाइफ मिनर्वा है जो फिलहाल दुबई में रहती थी। इलेरिया अपने माँ को ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसके डैड को अकेले छोड़ के चली गई थी। खैर इलोई मिनर्वा के आने से काफी खुश था, वो उसके लिए उसका फेवरेट खाना भी बनाता है। और वहीं पर इलेरिया के पेरेंट्स चुपके से बातें कर रहे होते हैं जो कि इलेरिया वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी कि उसकी माँ उसके डैड को छोड़ के क्यों गई थी। दरअसल मिनर्वा ने इलोई को किसी दूसरी औरत के साथ मजे करते हुए पकड़ लिया था और इसी वजह से वो उसे छोड़कर चली जाती है। इलोई अपनी वाइफ से सॉरी भी बोलता है पर मिनर्वा कहती है कि हम दोनों अब हस्बैंड और वाइफ बन के नहीं रह सकते, लेकिन हाँ हम अपनी बेटी के मॉम और डैड बन के रह सकते हैं। मिनर्वा भी अब इलोई का बिजनेस संभालने लगती है और एक दिन वो देखती है कि उसके काउंटर से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं, जिसके बाद वो सारे एम्प्लॉय को वहां पर बुलाती है और उन सबके कपड़े उतार कर चेक करती है। वहां पर उन सारे एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय ने पैसे चुराए थे। मिनर्वा उसको मारने लगती है, इलोई आके उसको बचाता है। वो एम्प्लॉय बोलता है कि मेरी माँ बीमार थी इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। इलोई बोलता है कि तू आके मुझसे मांग लेता मैं तुझे दे देता। वो एम्प्लॉय सबसे माफी मांगता है पर मिनर्वा उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देती है और उसकी जगह वो दूसरे एम्प्लॉय को रख लेते हैं। इलोई की बेटी इलेरिया उस नए एम्प्लॉय को देखकर कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगती है। इस एम्प्लॉय का नाम जोनस है और वो भी इलेरिया को घूरता रहता है जो कि इलोई देख लेता है और वो जोनस को अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलता है। इसके बाद हम इलेरिया को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है। तभी एक लड़का उसके पीछे पीछे आता है, वो हमेशा इलेरिया को परेशान करता था और आज भी वो उसको परेशान कर रहा था। तभी वहाँ पर जोनस आता है और वो उस लड़के को बोलता है कि इलेरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। जोनस उसको चाकू दिखाकर डराता है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है जिससे इलेरिया काफी खुश होती है और वो दोनों बाहर एक साथ एंजॉय करते हैं। अब एक रात इलेरिया बाथरूम में होती है जो कि लकड़ी का बना हुआ था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय उसको लकड़ियों के बीच से देख रहा होता है, ये सब जोनस देख लेता है जिसके बाद वो उसको बहुत मारता है। इन सब के बारे में इलेरिया के डैड इलोई को भी पता चलता है और वो जोनस को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इलोई जोनस को इस काम के लिए धन्यवाद बोलता है। खैर जोनस कुछ देर के बाद वहां से चला जाता है। अब हमें इलेरिया और उसकी माँ को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर मिनर्वा बाहर से कुछ सामान मंगाती है और वो इलेरिया को उसका वॉलेट लाने के लिए भेजती है। और जब इलेरिया उसका पर्स खोलती है उसमें से उसे दुबई की टिकट मिलती है जिसका मतलब ये होता है कि वो दुबई गई ही नहीं थी। इन सब के बारे में इलेरिया अपने डैड को बोलती है पर वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। और इसके बाद हम जोनस और मिनर्वा को एक साथ देखते हैं जो कि आपस में मजे कर रहे थे। जोनस बोलता है कि हम शादी कब कर रहे हैं, जिस पर मिनर्वा बोलती है कि अभी भी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम तब तक एम्प्लॉय की तरह यहाँ पर आराम से रह सकते हो, जिसका मतलब ये होता है कि मिनर्वा दुबई नहीं बल्कि जोनस के साथ थी और उसने जानबूझकर उसे अपने घर पर जॉब पर रखा था। अब अगले दिन जब जोनस अपने काम पर होता है तभी इलेरिया वहाँ पर सब्जी काट रही होती है। वहाँ पर जोनस का काम करते हुए हाथ कट जाता है जिसके बाद वो उसे पानी से धोने जाता है पर इलेरिया उसे देख लेती है और वो उसकी उंगली के कटे हुए पार्ट को अपने माउथ में रख लेती है। वहीं पर ये सब इलेरिया की माँ मिनर्वा देख रही होती है और ये सब देखकर वो उन दोनों के पास जाती है और इलेरिया को डांटती है और कहती है कि तुमको पता नहीं है कि वो बस एक एम्प्लॉय है। इलेरिया अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी इसलिए वो अपनी माँ को उल्टे जवाब देती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो बस एक एम्प्लॉय है पर मैं उससे प्यार करती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद जोनस रात में फिर से मिनर्वा के पास जाता है लेकिन इस बार जोनस को वहां के एम्प्लॉय भी अंदर जाते हुए देख लेते हैं। मिनर्वा जोनस से बोलती है कि मेरी बेटी से थोड़ी दूरी बनाकर रखो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, जिस पर जोनस बोलता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, जिसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह वहां के एम्प्लॉय जोनस का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब बॉस को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। जोनस की उन सबसे हाथापाई हो जाती है। तभी वहां पर इलोई आ जाता है और वो उन सबको अलग करता है। वो उनसे पूछता भी है कि वो किस लिए झगड़ रहे हैं पर उनमें से कोई भी नहीं बोलता। अब उसी रात जोनस मिनर्वा के पास आता है, वो उसको बोलता है कि मैं इन सबसे बोर हो चुका हूँ, हमें अपनी रिलेशनशिप के बारे में सबको बोल देना चाहिए। मिनर्वा कहती है कि मेरी बेटी कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी, हमें कुछ दिन तक ऐसे ही रहना चाहिए। ये सब बातें इलेरिया वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी और उसे अपनी माँ और जोनस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसी रात इलेरिया किचन में कुछ आवाज सुनती है, वो उठ के बाहर जाती है और देखती है कि उसकी माँ और जोनस मजे कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, इलेरिया भी उनके पीछे पीछे जाती है और जब वो दोनों एंजॉय कर रहे थे इलेरिया कमरे के अंदर जाती है और उन दोनों को गाली देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद उसकी माँ इलेरिया के पास आती है और वो उसको बताती है कि जब मैं और तुम्हारे डैड अलग हुए थे तब जोनस ने ही मेरा साथ दिया था। वो उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे डैड से भी इस बारे में बात करूंगी। अब उसी रात इलोई घर आता है, मिनर्वा उसको बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन इलोई इलेरिया के पास चला जाता है और वो देखता है कि इलेरिया काफी दुखी है। वो उससे पूछता भी है कि वो सैड क्यों है,
पर वो कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद वो मिनर्वा से जाके पूछता है, तभी वहाँ पर जोनस एक कमरे से बाहर निकलता है। इलोई कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर मिनर्वा बोलती है कि मैं इसी के बारे में तुमसे बात करने वाली थी। इलोई कहता है कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा। वो जोनस को मारने जाता है पर उसके आगे मिनर्वा आ जाती है। इलोई कुछ नहीं कर पाता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जोनस वहाँ के एम्प्लॉय को बोलता है कि अब मैं तुम सबका बॉस हूँ। मिनर्वा भी बोलती है कि तुम्हें अब से जोनस का कहना मानना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉय जोनस को अपना बॉस देखकर काफी गुस्से में होते हैं। उधर इलेरिया अपने डैड के पास जाती है जो कि नशे की हालत में होते हैं। वो उन्हें फिर से होटल में आने के लिए बोलती है। इलोई अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था इसलिए वो उसका कहना मान जाता है। उधर हम जोनस को देखते हैं जो कि सारे एम्प्लॉय से झगड़ा कर रहा था। वहाँ पर इलोई आता है और उसको बोलता है कि अभी भी यहाँ का बॉस मैं हूँ और मेरे एम्प्लॉय से सही से पेश आओ। तभी वहाँ पर मिनर्वा आती है और बोलती है कि तुमको यहाँ पर रहना हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। वो इलोई से कहती है कि तुम भी इस शॉप पर पहले एक एम्प्लॉय थे जिसके बाद तुमने मेरे डैड के पैसों से बिजनेस चलाया। इलोई बोलता है कि ये मेरी रेसिपी थी जो यहाँ पर कस्टमर की लाइन लगी रहती है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि तुम दोनों ये बिजनेस कैसे चलाते हो। इलोई वहाँ से जाने लगता है। उसकी बेटी इलेरिया उसको रोकने की कोशिश करती है। वो दोनों बहुत रोते हैं पर इलोई वहाँ से चला जाता है। अब जोनस मिनर्वा के साथ रहता था। वो दिन भर मोबाइल में गेम खेलता था और नए फोन के लिए मिनर्वा से पैसे भी मांगता है। पर मिनर्वा कहती है कि इलोई के चले जाने से हमारी होटल सही से चल नहीं रही है और हमारे बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। उधर मिनर्वा इलेरिया को छोटे कपड़े पहनने से भी मना करती है, जिस पर इलेरिया बोलती है कि क्या तुम्हें जोनस पर विश्वास नहीं है या तुम मुझसे जेलस हो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब उनकी होटल में ऑर्डर भी कम आते थे। जोनस बोलता है कि हमारी आमदनी कम हो गई है इसीलिए हमें पैसे बचाने के लिए सस्ते मसाले यूज करने चाहिए, और ऐसा करने के कुछ दिनों के बाद उनके कस्टमर्स कंप्लेन करने लगते हैं। जोनस उनसे भी लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ का खाना नहीं पसंद तो तुम यहाँ पर ऑर्डर भी मत किया करो। मिनर्वा किसी तरह से अपने कस्टमर को समझाती है। वो जोनस से कहती है कि हमें इलोई को वापस बुलाना चाहिए, जिस पर जोनस कहता है कि तुम मुझे उससे कंपेयर कर रही हो। वो कहता है कि उसे बुलाने की सोचना भी मत, और वो वहाँ से चला जाता है। इलेरिया अपनी माँ को समझाती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों रख रही है, वो बस हमारा इस्तेमाल कर रहा है, पर उसकी माँ नहीं सुनती। जिसके बाद इलेरिया जोनस को सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी माँ को प्रूफ दे सके कि जोनस कितना घटिया आदमी है। वो बाथरूम का दरवाजा खोल के नहाती है। जोनस उसको देखता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। एक रात इलेरिया जोनस के पास आकर बैठती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, और उसके बाद में रात में वो उसके पास जाती है, जिसके बाद जोनस खुद को नहीं रोक पाता। वो इलेरिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इलेरिया उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता। इलेरिया बोलती है कि मैं सबको जाके बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी जोनस बताता है कि मैंने मोबाइल फोन पे ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, और अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं ये वीडियो सब जगह फैला दूंगा। अब अगले ही दिन इलेरिया अपने डैड से मिलने जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके डैड का बिजनेस बहुत ही तेजी से चल रहा है। वो काफी खुश होते हैं। इलेरिया उनको अपने बारे में बताना तो चाहती थी लेकिन वो उनकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उधर मिनर्वा का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था, जिसकी वजह से जोनस और मिनर्वा में झगड़े बढ़ गए थे। जोनस अब कहीं भी इलेरिया को देखता था वो उसके साथ जबरदस्ती करता था। एक रात इलेरिया बाथरूम के पास होती है, तभी जोनस वहाँ पर आता है और वो इलेरिया को वहाँ से ले जाता है। वो इलेरिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर मिनर्वा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जोनस उसके साथ नहीं है, जिसके बाद वो उसको ढूंढने के लिए बाहर आती है। तभी वो जोनस को देखती है जो कि इलेरिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो जोनस से कहती है कि मैंने कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहना लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो उसको मारने लगती है। तभी जोनस बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती इलेरिया की है, उसने ही मुझे सीड्यूस किया। वो उसको वीडियो भी दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर भी मिनर्वा जोनस को मारती है और उसके बाद वो इलेरिया को भी मारती है, जिस पर इलेरिया बोलती है कि इसने वीडियो को एडिट किया है और मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि ये बहुत ही घटिया आदमी है, पर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसका वीडियो बना लिया। वो अपनी माँ को उसका विश्वास करने के लिए बोलती है लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद इलेरिया वहाँ से चली जाती है। इधर मिनर्वा जोनस को बोलती है कि मैंने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा है और मुझे पता है कि वो कब सही बोल रही है और कब झूठ। वो जोनस से कहती है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तो मिल के रहेगी, जिसके बाद वो एक चाकू उठा लेती है और जोनस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जोनस उससे चाकू लेके उसको ही मार देता है। उधर इलेरिया बुरी हालत में अपने डैड के पास पहुंचती है, जिसके बाद इलोई जोनस को बहुत मारता है, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। वहां पर इलेरिया भी अपने घर वापस आती है। वहां पर सारे लोग इलेरिया को आगे जाने से रोक रहे थे पर इलेरिया नहीं रुकती, और जब वो वहां का सीन देखती है उसको उल्टी हो जाती है। वो देखती है कि उसके डैड ने जोनस को वैसे ही बांध रखा है जैसे कि वो पिक को फ्राई करते थे, और अभी भी वो उसके साथ वैसा ही कर रहे थे। खैर, पुलिस इलोई को पकड़ ले जाती है, जिसको देखकर इलेरिया बहुत रोती है क्योंकि जोनस की वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।